Hello friends, in this Art and Culture UPSC prelim series, today we will talk about Ajanta paintings, the world famous Ajanta paintings, which are also a UNESCO heritage site. So let's see what's hidden in Ajanta paintings. Ajanta paintings, this is Ajanta cave, picture of Ajanta cave where these paintings were drawn. एक बहुत रोचक तथ्य है कि ये अजंता केव जो आपको दिखाई दे रही है इनकी खोज 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे कैप्टन जॉन स्मिथ वो जब अपने टाइगर हंटिंग पार्टी पे निकले हुए थे तब अकस्मात इनकी खोज हो गई 1819 से पहले ये इतनी वर्ल्ड नोन नहीं थी। ये एक यू शेप्ड जो गॉर्ज आप देख रहे हैं जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये रिवर वाघूर के द्वारा बनाया गया है। लेट सी व्हाट्स हिडन इन ज्योग्राफी। अजंता विलेज जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है वहां पर ये केव्स हैं और ये जो यू शेप्ड गॉर्ज जो बनाया है वो वाघूर रिवर ने बनाया है। जनरली हम सोचते हैं कि अजंता और एलोरा की केव्स बहुत नजदीक हैं बट नहीं, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये 29 रॉक कट केव्स हैं जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को दिखाती हैं, बुद्धिज्म कल्चर को दिखाती हैं। ये केव दो फेज में बनाई गई थी, पहला फेज जो था वो 2nd century and 1st century BC में था और दूसरा फेज 5th century CE में था। इसके मेजर पेट्रॉन्स कौन कौन थे? तो सातवाहन किंग, वाक्टक किंग जिसमें हरिसेन मुख्य थे, वराहदेव जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर थे। केवल किंग ही नहीं, मर्चेंट्स, रिचमैन, इन सब ने भी इसकी केव्स में और उनकी पेंटिंग्स के लिए योगदान दिया है। उपेंद्र गुप्त हु वॉज लाइक अ जमींदार, फ्यूडिटरी ऑफ वाक्टक किंग, बुद्धभद्र, मथुरा दास, ये इसके मुख्य मुख्य पेट्रॉन्स थे। इन पेंटिंग्स की थीम क्या है? देखिए, इन पेंटिंग्स में मुख्यतः जातक स्टोरीज को दिखाया गया है। जातक स्टोरीज आर अबाउट बुद्धाज लाइफ, जो बुद्धा की लाइफ के बारे में बताती हैं। इसके अलावा अवदनाज, अवदनाज क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर कोरिलेटिंग पास्ट लाइफ्स वर्चुअस डीड्स टू सब्सिक्वेंट लाइफ इवेंट्स, मतलब जो कि आपके पिछले जन्म की जो जीवन था उसके जो कर्म थे उनको प्रेजेंट लाइफ में कोरिलेट करता है। एक बात याद रखिएगा इसमें जो मुख्य है कि बुद्धिज्म रीबर्थ को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, बुद्धिज्म का रीबर्थ में बिलीव रहा है। बस द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पर वो ये है कि बुद्धिज्म कर्म के आधार पर रीबर्थ को मानता है, ना कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर कि शूद्र का बेटा अगले जन्म में भी मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा वो नहीं कहता। बुद्धिज्म कहता है यदि शूद्र भी अच्छे कर्म करेगा तो उसे अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा। So it's a based on the karma, rebirth based on the karma। कुछ जो जातक स्टोरीज और जो अवदनाज इसमें पोर्ट्रे किए गए हैं पेंटिंग्स में, दैट इज सिम्हाला अवदना, महाजनक जातका, विदुर पंडित जातका, ये इस तरीके की जातक स्टोरीज इसमें पूरी पूरी डिपिक्ट की गई है। सोशल लाइफ को भी दिखाया गया है और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इन पेंटिंग्स में फॉरेन लाइफ को भी दिखाया गया है। ये आप एक पेंटिंग अजंता की देख सकते हैं जिनमें फॉरेन लाइफ को भी डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। उस समय पर भी ये दिखाता है कि इंडियंस फॉरेन मर्चेंट से जो है कनेक्टेड थे। पेंटिंग की स्टाइल क्या है? तो एक मुराल पेंटिंग है। मुराल पेंटिंग्स क्या होती है? मुराल पेंटिंग्स वो पेंटिंग है जो कि दीवार पर एक प्लास्टर बनाया जाता है, पहले एक प्लास्टर का लेप लगाया जाता है और जब वो प्लास्टर गीला होता है यदि उस समय उस पर पेंटिंग कर दी जाए तो ये फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है, और यदि प्लास्टर सूखा हो, ड्राई प्लास्टर करके मतलब उस प्लास्टर को सुखाने के बाद उस पर पेंटिंग की जाए तो वो मुराल पेंटिंग कहलाती है। पेंटिंग की खास बात यह है कि ये 3D इफेक्ट देती है, 3D प्रोजेक्शंस देती है। इसमें जो बॉडी का कलर है वो गेट्स मर्ज्ड विद द आउटर लाइंस क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, जो बॉडी कलर है वो पीछे के बैकग्राउंड कलर से धीरे धीरे मर्ज होता है जिससे एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन बनता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ज्योमेट्रिकल क्लियर कट डिफाइंड लाइंस नहीं है, इट्स अ रिदमिक लाइंस, इट्स अ लिरिकल मूवमेंट, बहुत ही आसानी से करते हुए इस पिक्चर्स को इसमें ड्रॉ किया गया है। कहीं भी आप इसमें शार्प लाइंस नहीं देखेंगे। फिगर्स आर हैवी लाइक द स्कल्पचर ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सो दीज आर द सम यूनिक पॉइंट्स ऑफ दीज पेंटिंग्स। यूनिक फीचर इज ऑल्सो दैट द ईच फीमेल फिगर हैज अ यूनिक हेयर स्टाइल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। द आउटलाइन ऑफ द फिगर इज रेड ऑर्चे विद कंट्यूर्स ऑफ ब्राउन, ब्लैक और डीप रेड। पेंटिंग्स ऑफ वेरियस बोधिसत्वास इन त्रिभंगा, त्रिभंगा पोस्चर में कई तरीके की पेंटिंग्स बोधिसत्वास को और इवन फीमेल्स को भी डिपिक्ट करते हुए बनाई गई हैं। कुछ फेमस पेंटिंग्स मैंने साथ साथ अपने प्रेजेंटेशन में कुछ फेमस पेंटिंग्स को दिखाया है। इसके अलावा भी कुछ एक फेमस पेंटिंग्स है लाइक वज्रपानी, वज्रपानी बुद्धा मतलब प्रोटेक्टर और गाइड, सिंबल ऑफ बुद्धाज पावर।
Vajrapani, Vajra. So Manjushri, manifestation of Buddha's wisdom. कभी कभी यूपीएससी इस तरीके के वर्ड्स को भी कोरिलेट करा लेती है कि वज्रपानी मंजूश्री क्या है. इसके अलावा पद्मपानी, पद्मपानी इज द होल्डिंग ए लोटस इन द हैंड, इट्स अ सिंबल ऑफ बुद्धास कंपैशन. डाइंग प्रिंसेस, इट्स अ वेरी फेमस पेंटिंग, इट्स लोकेटेड इन अजंता केव्स. सीन ऑफ शिबी जातका, सीन ऑफ मैत्री पोशाक जातका. कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में देखते हैं. ये पेंटिंग्स मैंने सारी इस प्रेजेंटेशन में साथ साथ दी हुई हैं. आप एक बार इसके बहाने प्रेजेंटेशन को फिर से गो थ्रू करेंगे एंड उससे आपको इन पेंटिंग्स के बारे में और भी पता चलेगा. लाइक दिस इज वज्रपानी बुद्धा, दिस इज द डाइंग प्रिंसेस, दीज आर द सोशल लाइफ डिपिक्टिंग पेंटिंग्स, दिस इज पद्मपानी बुद्धा, इट्स अ वेरी फेमस पेंटिंग, इट्स अ वेरी वेरी नाइसली कार्व्ड पेंटिंग, त्रिभंगा पोस्चर. अप्सरा पेंटिंग, इट्स अ लाइफ साइकिल ऑफ बुद्धा, इट्स अ व्हाइट एलिफेंट पेंटिंग, इट्स फ्रॉम योर शिबी जातका. कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देखें तो चाइनीज पिलग्रिम जो थे फायान, वो 400 CE के अराउंड जब वो विजिट किया इंडिया को तो उन्होंने पेंटिंग्स के बारे में लिखा है. इसके अलावा जो नंदलाल बोस थे, उन्होंने इन पुरानी पेंटिंग्स को जब देखा और उन्होंने उनकी टेक्निक को स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में एंशियंट स्टाइल को रिवाइव किया. उनके साथ अभिनेंद्रनाथ टैगोर, सैयद तजुद्दीन, जिन्होंने ओरिएंटल आर्ट मूवमेंट भी चलाया इंडिया में, तो ये लोग थे. ये जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है वो इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है. नितिन सिंघानिया जी की बुक से मैंने इसमें साभार कुछ चीजें ली हैं, विकिपीडिया से ली हैं और इसकी जो इमेजेस हैं वो गूगल से ली हैं. सो आई होप जो आपको क्लियर हुई होंगी कई चीजें अजंता पेंटिंग्स के बारे में. दिस इज अवर कॉन्टेक्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर द PDF. PDF आपको इसके प्रेजेंटेशन लिंक में भी मिल जाएगी. थैंक यू. और ये जो लास्ट पेंटिंग है दिस इज फ्रॉम शिबी जातका. सो थैंक यू फ्रेंड्स. Thank you all and I wish all of you very good luck for your coming prelims 2020. Thank you very much.